तो आपने पापा जी से पैसे उधार लेके उनका क्रेडिट कार्ड यूज करके आपने फोन तो ईएमआई पर ले लिया। कुछ भी करें इन्फ्लुएंसर उन्हीं से इंस्पायर हो जाते हैं, उन्हीं को देख के मतलब एक माइंडसेट बना लेते हैं मुझे भी ऐसा करना है। करते कितने लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़, और वो भी पहले 3 साल में उनमें से 80% लोग एग्जिट मार जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कड़वी बात हो ना तो दिल पे लग जाती है, लेकिन क्या करूं, कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो, कितना भी पढ़ा लो, कितनी भी बढ़िया वीडियो बना लो, हर बात में से ना कोई ऐसी बात लेकर लोग आते हैं कि भाई ये हो जाए तो क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई मैंने अपने बेटे को गाड़ी गिफ्ट की, थार। तो मेरे बेटे का ये प्रश्न था कि डैडी वन टाइम पेमेंट देके गाड़ी लेंगे। मैंने कहा बेटा पेमेंट तो हमारे पास इतनी है कि एक साथ 10 गाड़ियों की देके 10 गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने गाड़ी ईएमआई पर फाइनेंस कराई, डाउन पेमेंट देके फाइनेंस करा ली, 6 लाख रुपए दिए। इसके बारे में पूरी एक वीडियो है, विस्तार से वीडियो है, वो आप जरूर देखना। तो बहुत सारे लोगों ने जब उस वीडियो को देखा तो उनको बातें समझ में आई, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया वहां पर, अरे इतने पैसे थे तो ईएमआई पर क्यों ले ली, या सर मुझे ये बताएं कि मुझे ईएमआई पर गाड़ी ले लेनी चाहिए या मैं वन टाइम पेमेंट कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी गाड़ी लेने के लिए, थार तो एक नॉर्मल गाड़ी हो गई है ना। तो लोग उल्टा सीधा उसमें लिखने लग रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने लिखा कि सर मेरी इनकम ना 20,000 रुपये महीने है, तो क्या मुझे गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई बात बोल दूंगा तो बुरी लगेगी। आप ये देखो कि एक गाड़ी को अफोर्ड करने के जो खर्चे हैं ना, चाहे उसकी ईएमआई हो, उसका मेंटेनेंस हो, उसका डीजल पेट्रोल हो, एनुअल इंश्योरेंस हो, वो आपकी इनकम का 10% है। अगर आप 20,000 रुपये महीने कमाते हैं और 2,000 रुपये में वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं तो ज़रूर ले लो। मैं कहता हूँ अगले साल नहीं इसी साल ले लो, और इसी साल भी ले रहे हो तो जनवरी में ही ले लो, अभी भी बहुत दिन बचे हैं जनवरी के। तो सबसे पहले ना अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को ज़रूर चेक करो यार, ये कंपेयर मत करो कि एक व्यक्ति ने अगर कोई चीज़ ले ली, एक दोस्त ने एप्पल का आईफोन 15 ले लिया प्रो मैक्स, तो आपको भी वही चाहिए है ना, आप उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो भैया ये भी तो देखो उसने ज़िंदगी में मेहनत कितनी की है, पैसा कितना कमाया है, उस पैसे को कैसे उसने इन्वेस्ट किया है जिससे पैसे से पैसा बनाया है, और पैसे से पैसा बनाने के बाद आज वो अपने शौक मौज को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है, तो क्या गलत है। आप वो कंपैरिजन नहीं करते, ये कंपेयर करना शुरू करते हैं कि भाई मेरी इनकम इतनी है मैं खरीद लूं। तो ईएमआई का बर्डन ना आपकी लाइफ को डुबा देगा। आप दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, लोग बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इसने बढ़िया गाड़ी ले ली, ये बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है। सोशल मीडिया पर आप जितनी बढ़िया लाइफस्टाइल देखते हैं ना, रियलिटी इसके विपरीत है। जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट दिखाते हैं, इनकी असल जीवन में जब आप देखोगे ना तो यू विल गॉट सरप्राइज कि वास्तविक जीवन ये कैसे जीते हैं। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन कुछ उसमें जेन्युइन भी हैं जो बड़े अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर उनकी इनकम है, उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर सही समय पर अच्छे तरीके से पैसा कमा के उसको भविष्य के लिए इन्वेस्ट नहीं किया तो एक दिन उनका उनके साथ भी वही दुर्गति होगी जो कहा जाता है कि अपने समय का सुपरस्टार अकेले फ्लैट में रहने को मजबूर, पाई पाई के लिए मोहताज, अस्पताल में तोड़ा दम, घर खर्च के लिए भी नहीं है पैसा, रोटी खाने तक को नहीं है पैसा, आज बन गया चौकीदार तो आज बन गया गेटकीपर, आज रेस्टोरेंट में लगा रहा है झाड़ू, आज सड़क पर मांग रहा है भीख। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे यार, अपने टाइम के बेस्ट लोग थे वो, उस समय पर उन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन पैसा गंवा भी दिया, किस लिए, उन्होंने भी इन्फ्लुएंस लिया किसी और से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी रियल सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के आधार पर आपको क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी है, कैसे अपने सपनों को साकार करना है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरा भी लेटेस्ट मैंने वीडियो बनाया और वो वीडियो इस बात पर था कि भाई बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, प्रॉपर्टी खरीदने की जगह उसको किराए पर क्यों लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक भी प्रॉपर्टी किराए पर है। अब बैंक जिसके पास करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में उनके पास आए हुए हैं, पैसा बैंक का अपना है, वो बैंक भी किराए पर चल रहा है और आप उसी बैंक से पैसा उधार लेकर प्रॉपर्टी दोबारा खरीद रहे हैं और वो भी ईएमआई का बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं। इस पर भी एक विस्तार वीडियो मैंने बनाया। अब ये बात ना हर व्यक्ति पर भी लागू नहीं होती कि यार सबको ही मतलब मकान किराए पर लेना चाहिए। अगर सारे ही किराए पर लेंगे तो कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी ओनर होगा जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी। तो आपको फिर वही बात है, ये देखना है कि आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, एक साल में आप कितना पैसा बनाते हैं, पिछले जीवन में आपने कितना पैसा बनाया हुआ है, आपके माता पिता की कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, पेरेंटल आपको क्या क्या मिला हुआ है, आप भविष्य में कहाँ पहुँच सकते हैं। अपनी सारी फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करें। ये वीडियो आप ज़रूर देखना,
मेरे इस चैनल पर। तो लोग ना मतलब खाली मोबाइल फोन से या गाड़ी से या उनके लाइफस्टाइल से ही इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, वो कुछ भी करें इन्फ्लुएंसर उन्हीं से इंस्पायर हो जाते हैं, उन्हीं को देख के मतलब एक माइंडसेट बना लेते हैं मुझे भी ऐसा करना है। किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, उसको देखकर ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। अरे आपको पीछे की स्टोरी नहीं पता कि वो व्यक्ति जो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है वो कपड़े उस ब्रांड ने स्पॉन्सर किए हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल को देखकर दुनिया लाइफस्टाइल को कॉपी करेगी और वो ब्रांड करोड़ों रुपए कमाएगा। आप वो एक सिंगर है दलजीत दोसांझ करके नाम है, वो देखो गैप के कपड़े पहनता है, गुच्ची के कपड़े पहनता है। आपको पता है हजारों लाखों लोग इन्फ्लुएंस होने के बाद गुच्ची के और गैप के कपड़े खरीदना शुरू करते हैं, पर पीछे का सीक्रेट क्या है कि वो ब्रांड उस सिंगर को स्पॉन्सर करता है कि उसका पूरा ड्रेसअप, उसका पूरा वार्डरोब स्पॉन्सर करता है, ताकि जब लोग उन वीडियोस को देखें इन्फ्लुएंस हों तो उनके ब्रांड की सेल बढ़े। अगर आप सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को इतना डेवलप करें, इतना डेवलप करें कि आप जो भी काम करें उसमें सफलता हासिल करें। यंगस्टर के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी है, वो जैसे ही चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं ना वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं लोग। कोई मतलब कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, उसकी वीडियो देखते हैं, अच्छा अच्छा मनाली में ये सब कुछ हो रहा है, शिमला में ये सब कुछ हो रहा है, अभी तो सब लोग मालदीव जा रहे थे, या मोदी जी ने कह दिया भाई लक्षद्वीप जाना है, तो सब मतलब अपने बोरी बिस्तरा उठा के मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस हो गए। किससे इन्फ्लुएंस हो गए? किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, मोदी से इन्फ्लुएंस हो गए। वो ये नहीं देख रहे कि उनकी फाइनेंशियल पावर क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं करते। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत देश की जो आबादी है वो 140 करोड़ से पार हो गई है, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में SIP को कितने लोग जानते हैं? आपको रेगुलर एडवर्टीजमेंट आते हैं, SIP करा लो TV पर, FM पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर SIP में सिर्फ ये जानते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। करते कितने लोग हैं? 140 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़, और वो भी पहले 3 साल में उनमें से 80% लोग एग्जिट मार जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर पता है कब मिलती है? अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। आपकी एज जितनी कम है उतनी ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है। एक 40 साल का व्यक्ति SIP करे अगले 15 साल के लिए, और एक 25 साल का युवा SIP करे अगले 30 साल के लिए, जब 40 वाला 45-55 हो जाएगा, और वो भी 55 के हिसाब से अगर प्लान करे तो दोनों के SIP में पता है कितना डिफरेंस होगा? लगभग 6 गुने का डिफरेंस होगा। अगर उसका 1 करोड़ बन रहा है तो उसके 6 करोड़ बनेंगे। क्यों? कहते ना कि जितनी अर्ली एज पर आप शुरू करेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटी आपकी होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का मजा ही तो लास्ट में आता है। वो आपने वो कहानी नहीं सुनी थी शतरंज के एक बिसात पर, एक वो भिक्षु मांगता है एक राजा से कि मुझे चावल का एक दाना दे दो और हर खाने पे डबल करते जाना। आपने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी। तो 64वें खाने तक छोड़ो, वो 32वें खाने तक आते आते इतना बड़ा भंडार हो जाता है कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कब काम करता है? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। आप SIP करें, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाएं, फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करें। और आज तो इतना आसान तरीका हो गया, आप गूगल पे सब कुछ पढ़ सकते हैं, आप फाइनेंशियल एजुकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं। तो लर्निंग करने के ना बहुत तरीके हैं, या फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मैं तो 25 साल का युवा हूँ, मेरी तो इनकम ही नहीं है। अरे इनकम नहीं है तो आपने पापा जी से पैसे उधार लेके उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपने फ़ोन तो EMI पर ले लिया, लेकिन ये नहीं कहा कभी पापा की 500 रुपये मुझे पर मंथ देना, मैं SIP करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंशियल नॉलेज को गेन नहीं किया। सही समय पर सही निर्णय लेने पर ही आप सफलता की ओर जा सकते हैं, वरना गुरु चाणक्य ने भी कहा था अगर सारा जीवन अनुभव करके कोई चीज़ सीखने पर लगाओगे तो एक जीवन जो है वो कम पड़ जाएगा। सही तरीका क्या है? जो व्यक्ति जिस विषय का विशेषज्ञ है उससे वो चीज़ सीखो, समझो, उस पर अमल करो और उसकी तरह उस काम को करने का प्रयास करो। लोग 20-20 साल का अनुभव आपको 20 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन वो अनुभव 20 मिनट का उन्होंने 20 साल में अर्न किया है। अगर आप उस अनुभव को ग्रैब कर लें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें, तो जो काम उसने 20 साल में किया है वो काम हो सकता है आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कर लेंगे। 20 साल का समय नहीं लगेगा। अरे इस बात को इसी बात से समझ लो यार, आप मान लीजिए दिल्ली में पीतमपुरा में है और आपको गाजियाबाद जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, तो आप 1 घंटे में ढूंढते ढांढते पूछते पाछते 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में पहुँच ही जाएंगे, गलत रास्ते से भी चले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति गाजियाबाद का रास्ता जानता है, जो वहाँ गया हुआ है, उससे पूछेंगे तो आपको राइट ट्रैक बताएगा। जो काम आप 3 घंटे में करते वो आप 1 घंटे में कर सकते हैं। अरे इसी एग्जाम्पल से आपको समझ जाना चाहिए कि लोगों के जीवन के अनुभव का लाभ हम ले सकते हैं, वो भी जब अपनी लाइफ में मेंटोर बनाएं, अपनी लाइफ में लोगों से गाइडेंस लें, अनुभवी लोगों से उनके अनुभव के बारे में जानें, सीखें, समझें, और जो गलतियां उन्होंने की थी वो गलतियां कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ।
क्या होता है ना कि लाइफ में आप जो चीज़ सीखते हैं और समझते हैं वो उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने उसमें वो अनुभव हासिल किया है। जैसे तीन दोस्त थे, तीनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में व्यापार किया, बिजनेस बहुत अच्छा खड़ा कर लिया, बहुत अच्छा पैसा बनाया, और उनमें से कुछ लोग व्यवस्थित हो गए, कुछ लोग अव्यवस्थित हुए। किसी ने किसी चीज़ से पैसा कमाया, किसी ने किसी माध्यम से, किसी ने किसी माध्यम से। अब उन्होंने आने वाली जनरेशन को लेसन दिए। एक व्यक्ति ने जिसने व्यापार में अपार सफलता हासिल की थी, उसने कहा था कि बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बिजनेस करना। दूसरे ने कहा कि भाई अपने बेटे को कि बेटा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जो कमाते जाओ प्रॉपर्टी खरीदते जाना। तीसरे ने कहा कि भाई पैसा ना प्रॉपर्टी में लगाना ना व्यापार में लगाना, पैसा अगर लगाना है तो आपका हो गया गोल्ड या FD वगैरह। अब वो लोगों ने अपने जीवन में पैसा कमाया, उनके भी तीन तीन बच्चे हुए, उन्होंने आगे वाली जनरेशन को सेम बात बोल दी। यू विल गॉट सरप्राइज, जिस व्यक्ति ने कहा था कि व्यापार में पैसा लगाना, उसके तीन बेटे हुए और तीनों ने व्यापार किया, तीनों में से एक व्यक्ति का व्यापार अपार सफलता तक पहुंच गया, एक व्यक्ति सामान्य व्यापार चलाता रहा और एक व्यक्ति का व्यापार फेल हो गया। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किसी भी सर्कमस्टांसिस में किस लेवल तक पहुंचते हैं। जैसे दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि अपने तीनों बच्चों को कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, एक ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उस जगह पर गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई, वो रोड वहाँ मेन रोड बना, मास्टर प्लान के अंदर आ गया और उस प्रॉपर्टी की कीमत 100 गुना हो गई। दूसरे बेटे ने इन्वेस्ट किया था, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह थी जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, 10 साल पहले भी वो प्रॉपर्टी उतने की थी, 10 साल बाद भी उतने की थी, 20 साल बाद भी उतने की रही, 15% 20% इंक्रीमेंट हो गया। एक व्यक्ति ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी कि वहाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी आया, प्लान भी आया, पर उस प्लान के अंतर्गत जो हाईवे का बीम होता है सबसे बड़ा, जहाँ हाईवे बीच में आ जाता है, वो उसकी बिल्डिंग के सामने आ गया, तो उसकी प्रॉपर्टी डेड हो गई एक तरह से। तो कहने का मतलब, आप किस जगह इन्वेस्ट करोगे वहाँ क्या रिटर्न आएगा, ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई आपको फ्यूचर में कितनी ग्रोथ मिलने की संभावना हो सकती है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप गवर्नमेंट पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नेचुरल क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन किस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स को। इनको यदि आप कंट्रोल करते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हैं तो आपको अपार सफलता मिलने की संभावनाएं कई गुना बेहतर होती हैं। इसीलिए चीज़ों को सीखो, समझो, पढ़ो, लोगों से जानो और उनकी गलतियों को दोहराओ मत और जीवन में आगे बढ़ते रहो। ये बातें ना बहुत बुरी लगती हैं जब कोई व्यक्ति किसी को गाइड करता है, लेकिन यही गाइडेंस आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। किसी भी चीज़ में जिसमें आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में, उस विधा में किसी व्यक्ति को अपना मेंटोर बनाओ, अपने मेंटोर के पद चिन्हों को फॉलो करना शुरू करो। अगर मेंटोर नहीं मिल रहा है तो पेड कंसल्टेंट लो, कंसल्टेंट को हायर करो, सेमिनार्स के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर दिए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, जो लोग प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, आप वो कोर्सेज को देखो, सीखो, समझो, जीवन में इंप्लीमेंट करो और आगे बढ़ते रहो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रयास करेगा, उसके जीवन में सफलता की अपार संभावनाएं होंगी। निरंतर प्रयास करते रहो, जीवन सफल जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।